भाई और तो बता, कपास चुगाई करवा रहे हैं जी। हाँ जी, फिलहाल कोई और वैरायटी है? वैरायटी में काफी हर किसी भी अपनी पसंद होती है। फल किस तरह लगा हुआ है? फल फल माशाल्लाह बहुत। अच्छा, कम से कम एक बूटे नो भाई कितने दिन लगे हैं? 70-75 जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे, खैर से ऐसे होंगे। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त मुजाहिद हुसैन। दोस्तों, घर से बाहर निकलों निकल वॉक करते हैं और चलते हैं, गाँव का माहौल देखते हैं। जो गाँव में होती है रौनकें बहुत जबरदस्त होती है, घूमते फिरते हैं और वॉक करते हैं कि क्या माहौल है। सामने जा रहे हैं किसान भाई और ये खट करने जा रहे हैं। इधर एक नन्ना मुन्ना बच्चा घास निकाला है, सुबह फर्स्ट टाइम उठता है और घास पे आ जाता है, ड्यूटी करता है। अभी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। सर्दी पड़ रही है ना? कह रहा है कि आपको पता सर्दी कितनी पड़ रही है, इसलिए टाइम से आता हूँ और घास काट के चला जाता हूँ। ये बच्चा कह रहा है कि बहुत मेहनत लगती है घास काटने में, ले करने जो जानवर उस टाइम खा जाते हैं पता भी नहीं चलता। माशाल्लाह काफी ज्यादा मामा हुई है कपास की चुगाई करने। देखें ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है। दरअसल आजकल बेरोजगारी इतनी है और जितनी मेरी माँ बहनें घर में होती हैं अपनी रोजी के लिए आई हुई हैं, ये भी मेहनत कर रही हैं। यानी अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत का फल अल्लाह पाक जरूर देता है। अस्सलाम चाचा, ठीक हो जी? गाँव क्या लगता हूँ सही हो गए? अच्छा, एक बार छोड़ आ गए ना, चंगा सही हो इसी काम। माशाल्लाह कपास को जो फल है वो ज़बरदस्त लगा हुआ, पता नहीं कौन सी वैरायटी है। अगर यहाँ का अगर इस कपास का मालिक यहाँ पे होता तो मुझसे ज़रूर पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे तो नहीं फिर रहा। ये देखिए और ज़बरदस्त, अगर इन्होंने मेहनत किया लगभग इनकी मेहनत पर रंग लाए। हाँ, बैल रेडी खड़ा हुआ है, ये लगता है कोई घास निकालने आया और इसने यहाँ पे बैल रेडी खड़ा कर दिया है। असील है, असील कोई ऐसे होते मारते भी हैं और कोई को डर भी जाता है, ये असील है, ये कुछ भी नहीं कह रहा। बिल्कुल पीछे थोड़ा हट रहा है। आ जा बबलू आ जा, जबरदस्त ये बैल है। गाँव के लोग होते हैं बहुत मोहब्बत करते हैं जानवरों से और आज थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, फिर बदे हो ये आवाम मिठाई बदे किधर लेके जा रहे हैं? अच्छा माशाल्लाह, टोपी शोपी पवाई ने वो इंजॉय कराई जा रहे हैं बच्चे तो। वाह बच्चे वाह, तारी मौजा मौजा। देखो हमने उसे रोका और चला गया, क्यों हमें बच्ची काट लिया? बच्ची काट दिया तुमने? यार क्या बना यार, इसे बताएं यार। यार मुझे इसमें क्या है? अच्छा जब बाकी जा रहे हैं, अब कह रहे हैं मोटरसाइकिल वाला दिन चढ़ाया नहीं, अब वो बैल रेडी पे चढ़ते हैं, अब बैल रेडी पे जा रहे हैं। मोटरसाइकिल पे बुजुर्ग जा रहा था, वैसे बुजुर्ग चढ़ाते भी नहीं है मोटरसाइकिलों पे, वो कहते बच्चे हैं और शरारते करते हैं। ये हमारे गांव के कंप्यूटर आ रहे हैं, पहले जाएंगे कॉलेज फिर उसके बाद जाकर कंप्यूटर सीखते हैं। डॉक्टर है हमारे गांव के साथ है नमाज चौक, वहाँ से ये डॉक्टर वगैरह कंप्यूटर वगैरह करते हैं बच्चों मोरे डॉक्टर के पास। ठीक फैलते हो रिता सीता? ठीक नहीं सलाम चल रहा है, लो ए भी पढ़ने लग गए? अच्छा वैसे शौक है कितने? अच्छा अच्छा, मोटरसाइकिल का काम छत ज़्यादा काम कितने पहुंच गया है? साढ़े पर गया रेड़ी बस। नहीं कितने साल? दो साल? दो साल दस साल, साल हो गया। अच्छा दूसरा साल स्टार्ट है। हाँ, नहीं अच्छी गल है, इस बंदा डेस्क जो अप्लाई कर सकता कि नहीं? हर चीज़। ठीक हो गया, जाओ फिर घूमो फिरो इंजॉय करो, यही जिंदगी है घूमन फिरन दी। बाद इतने फिर साढ़े तरह लोग है, टेंशन हो इनकी है टेंशन। और भाई यार फिर बताएं माशाल्लाह बच्चे छोटे चढ़ाई बताएं और बच्चा भी नाराज हुआ रहा है लगता है, जिसका मूड नहीं था स्कूल जाने को, इसने बटन वगैरह भी नहीं दिए हुए। और मैंने वॉक कर लिया, काफ़ी दूर आ गया हूँ घर से और दौड़ लगाते हैं और चलते हैं आगे। ये देखें ये टोला जा रहा है, टोला पर बैरियाँ जा रही हैं और ये घास लेने जा रहे हैं और घास लेके आएंगे जानवर को जाकर डालेंगे। ये इकट्ठे निकलते हैं जानवर, गाँव के जो लोग होते हैं इकट्ठे निकलते हैं, जो काम करते हैं इकट्ठा करते हैं। बिहार है ना, मोहब्बत है, मोहब्बत होनी चाहिए, अगर मोहब्बत के बगैर काम चलता भी नहीं है। एक हजरत अली की बात है, जब फारे वक्त मिले तो माँ बाप के साथ बैठ जाया किया करो, क्योंकि माँ बाप के साथ गुजरा हुआ वक्त क़यामत के दिन निजात का बायस बनेगा।
हाँ बिल्कुल, वैसे भी माँ बाप के साथ रहें तो टेंशनें दूर हो जाती हैं, लगता है सब कुछ हमारा यही है। तो ये भाई खड़ा हुआ है और इसने कपास बीजी हुई है, ये ज्यादातर फसलें वगैरह बीजते हैं। क्या हाल है जाबिर भाई? ठीक ठाक जी। पेट बताएं? जी हाँ पेट ठीक। अच्छा आज कपास चुगाई करा रहे हैं? जी हाँ जी। अच्छा केरे महीने तुसी बीजी है कपास? तीसरे महीने। केरी वैरायटी है भला? फिलहाल कोई और वैरायटी है? वैरायटी ना काफी, हर किसी की अपनी पसंद आती है। सही। फल किस तरह लगा हुआ है? फल माशाल्लाह बहुत। अच्छा कम से कम एक बूटे नो भाई कितने दिन लगे है? 70-75 जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा कितनी चुगाई कर ली है? ये दूसरी चुगाई है। अच्छा इस दा पानी कितना ला चुके हो ते खाद कितनी दे चुके हो? पानी वैसे तो 4-5 पानी लगे हैं, लेकिन डबल 10-15 पानी बनते हैं। अच्छा 10-15 पानी। ते खादा वगैरह? खाद 2 नाइट्रो किला बोरी, बस गवारा किला बोरी, बस यूरिया किला बोरी, 3-4 डबल गवारी दी है, डबल नेट्रो दी है। अच्छा गवारा किस वास्ते होता है, नेट्रो किस वास्ते होता है? नेट्रो जमीन में ताकत देता है। अच्छा गवारा अच्छा। इस तू अलावा होर केड़ी खाद आंदे पे? यूरिया। अच्छा ओके करें दी ओ भी कपाल कोल गें दी ते कपाल। ठीक। कितने किले बीजी हुई है? तकरीबन 3 एकड़ है, 10 किले, 5 किले फुल, लेकिन बाहर काट के 3 किले बच गए। ठीक। कपाल दा रेट शुरू शुरू तक के निकले हो आई? शुरू तो वेच 8.5 हजार। अच्छा बाग बीजी चीज फ्रूट ਮਿੱਠਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਪਟੇਂਦੇ ਵੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਹਲੀ ਕੱਚਾ ਛੋਟਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਕਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 12ਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਚ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚੁਗਾਈਆਂ ਹੋ ਵੈਸੇ ਫਾਰਦ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੀਆਂ 3-4 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ 4 ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ 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 ਠੀਕ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚੋਰੀ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ ਕਪਾਹ ਚੁਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋ? ਵੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਤੁਨਾ ਫਲ ਕੇ ਚਾਹੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਬੇ ਪਿਆ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ? ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਤੜ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਸਵੇਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਬੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਰਖਵਾਲੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਈਆ, ਇਹ ਜੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਈਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਪਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਚਾਹਸੇ? ਕਪਾਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਉਹ ਕਪਾਹ ਘਾਟੇ ਬੀਜ ਲਏ ਨਾ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬੀਜੋ ਬਸ, ਉਹ ਨਾ ਬੀਜੋ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਪਾਗੇ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਗਾ ਲਓ ਬਸ, ਥੋੜਾ ਖਾ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪਾਹ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੀਜ ਲਵੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ। ਦਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੋਸਤੋ। ਆਪਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ, और वो कह रहे हैं कि अब हम खुशहाल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कपास की जो ओस है वो भी ज़्यादा निकल रही है और 9000 के साथ बेच जा रहे हैं। पहले 82-83 में बेची है और कल से हम 9000 से बेच रहे हैं और माशाल्लाह बहुत हमारा जो बोस है वो भी खुश है और हम भी खुश हैं और हम पे जो बोस है वो राज़ी है। और ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और करते हैं इस वीडियो के एंड, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।